हेलो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषियस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, उसका जो यूनिट 4 है जिसमें हम केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर मैं कहूँ इसमें हम एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम सेकंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। हम ऑलरेडी अपने यूनिट 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी लेक्चर्स का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस लेक्चर में, 4th यूनिट के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, कैसे हम समझेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर कंपाउंड दिया गया है तो वह एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और साथ ही साथ हम हकल रूल पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए अपने इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अपने कॉपी में नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा एरोमेटिसिटी, ठीक है। हमने अपने पहले लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ों पर बात किया था। अगर आप लोग उस लेक्चर को देखे होंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। केमिस्ट्री ऑफ एरिन्स के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात कर लिया था, ठीक है। बेंजीन से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर भी बात किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, ठीक है। एरोमेटिसिटी, अब देखो बच्चों, एरोमेटिसिटी एक्चुअली किसी कंपाउंड का, या फिर मैं कहूँ जितने भी हमारे पास एरिन्स कंपाउंड होते हैं, कहने का ये मतलब है जैसे कि बेंजीन हो गया, या फिर हमारे पास बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हो गए, या फिर ऐसा कोई भी कंपाउंड जो बेंजीन के ही तरह सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये एक स्पेशल तरह के फीचर्स को शो करते हैं। क्या करते हैं? स्पेशल तरह के फीचर्स को शो करते हैं, और इन्हीं फीचर्स को ही हम कहते हैं एरोमेटिसिटी। बस इतना ही सिंपल सा आपको आंसर करना है अगर आपसे कोई पूछता है कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, ठीक है। क्या होता है कि ये जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स से बहुत ही अलग तरह के रिएक्शंस को शो करते हैं, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे हैं तो, ठीक है। क्या होता है कि जो हमारे पास एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि एल्केन्स हो गया, एल्कीन्स हो गया, एल्काइन्स हो गया, इन सभी में हमने क्या देखा था कि ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहे थे। लेकिन जो हमारे पास एरिन कंपाउंड होते हैं, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि ये एडिशन रिएक्शन को शो करें। ये मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। इसलिए इनमें क्या होता है, कुछ ज़्यादा स्टेबिलिटी पाया जाता है, ये भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनके पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज होते हैं, इन्हीं क्वालिटीज को ही, इन्हीं प्रॉपर्टीज को ही हम क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर दैट, ठीक है, इट इज क्लियर दैट, ओके, ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास करिएगा हर एक वर्ड को। इट इज क्लियर दैट, अगर हम बात करते हैं केवल बेंजीन पर, ठीक है, तो बेंजीन इज एन स्पेशली, ठीक है, स्पेशली स्टेबल कंपाउंड। जो हमारे पास बेंजीन होता है वह क्या होता है, एक स्टेबल कंपाउंड होता है, और यह एलिफैटिक के कंपैरिजन पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड, ओके। ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यहाँ पर लिखिएगा ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स, वैसे अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से डिफिनेशन दिया जाता है, तो आप लोग जो भी चाहें उपयोग कर सकते हैं। ए नंबर ऑफ अदर कंपाउंड्स, ए नंबर ऑफ अदर कंपाउंड्स हैव सिमिलर, ठीक हैव सिमिलर स्पेशल स्टेबिलिटी, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, सिमिलर सिमिलर स्पेशल स्टेबिलिटी, ठीक है, स्पेशल स्टेबिलिटी व्हिच इज नोन एज, तो ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, व्हिच इज नोन एज, ठीक है,
विच इज नोन एज ऐसे कंपाउंड्स को ही हम ऐसे क्राइटेरिया को या ऐसे स्टेबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं। अब देखो सवाल उठता है कि हमारे पास जितने भी हाइड्रोकार्बन्स दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी हाइड्रोकार्बन हम ले सकते हैं, क्या वह एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, ये पहचानने का काम अब शुरू होता है। अब सवाल आपके मन में उठा होगा कि सर जी एरोमेटिक तो समझ में आया, एंटी एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, तो इस पर अब हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी क्या है, उसी में ही हम यह भी बात करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैसे पहचानते हैं, साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि हकल रूल क्या होता है, और इसके बाद हम समझेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एरोमेटिक है ये एंटी एरोमेटिक है, इस पर हम बात करेंगे, और लास्ट में हम समझेंगे कि नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, ठीक है, एरोमेटिसिटी। चलिए अब हम समझते हैं कि कैसे कोई भी कंपाउंड हम देखकर बता सकते हैं कि वह एक एरोमेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए टोटल चार कंडीशंस होते हैं। सबसे पहला कंडीशन हमारे पास होता है कि अगर वह एक एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे पास है वह साइक्लिक हो। साइक्लिक के लिए अगर बात किया जाए तो आप लोग जानते होंगे, जैसे अगर बेंजीन पर बात किया जाए तो यह क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। ठीक है, अगर एक और छोटा सा मैं कंपाउंड इंट्रोड्यूस करता हूं आप सभी के सामने, ये रहा आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से सॉरी, तो इसमें अगर बात किया जाए तो यह भी आप लोग देख सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड्स को आप उनके स्ट्रक्चर को देखते हुए ही पहचान सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो साइक्लिक का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया यह भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि वो प्लानर हो। क्या होना चाहिए, प्लानर हो। प्लानर आप लोग कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर आपके बुक में बनाया गया होता है वो एक्चुअली 2D फिगर होता है। लेकिन प्लानर हम तब कह सकते हैं कि जब कोई भी हमारे पास कंपाउंड एक प्लेन में हो, जो उसके हाइड्रोजन लिंक हैं वो एक ही प्लेन में हो, वो 3D की तरफ ना गए हों। जैसे कि अगर यहाँ पर जो मैंने यह स्ट्रक्चर बनाया है या तो एक 2D है, ठीक है, या एक 2D है बोर्ड जो हमारे पास है, यह एक 2D स्ट्रक्चर है, तो इस पर जो यह स्ट्रक्चर बना हुआ है ये तो आपको लग रहा होगा कि प्लानर है क्योंकि प्लेन में है। यह भी आप लोग देख सकते हैं, लग रहा होगा कि ये भी प्लानर है क्योंकि प्लेन में है, लेकिन ये कभी भी प्लानर स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, या फिर आपके बुक में बताया गया हो, या फिर आपके टीचर बताते हैं, तो आप लोग जान सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड प्लानर है या नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी भी उनके स्ट्रक्चर को देखकर मत बताने की कोशिश करिएगा। एक छोटा सा मैं पॉइंट और इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आप लोग कुछ हद तक, मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड या फिर मैं कहूं 90% कंपाउंड्स जो होते हैं, अगर उनमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम कह सकते हैं कि वो प्लानर है, लेकिन हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते। लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अगर प्लानर है तो वह 100% गारंटी है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहां पर होगा। लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्लानर ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। तो तीसरे क्राइटेरिया पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है, या फिर आप लिख दीजिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, या फिर इसी को ही कहा जा सकता है कि OOR डीलोकेलाइजेशन, ठीक है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास पाई सिग्मा पाई होना चाहिए, या फिर मैं कहूँ पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए,
या फिर मैं कहूँ कि पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज कब हो सकता है? जब वहाँ पर हमारे पास पी, एक वैकेंट पी ऑर्बिटल बचा हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर आप यह बात बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि उसमें कॉन्जुगेशन पाया जा रहा है या नहीं। कैसे बताया जाएगा? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ऐसे आपका जो यह एक साइकिल है यह पूरी तरीके से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पाई सिग्मा पाई या फिर पाई सिग्मा लोन पेयर होना चाहिए या फिर पाई सिग्मा प्लस चार्ज होना चाहिए। हम बहुत सारे कंपाउंड्स को अभी देखेंगे जानेंगे तो उनमें हम इस कॉन्सेप्ट का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को देखकर बताया जा सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पर बात किया जाए तो सिग्मा है पाई है सिग्मा है पाई है सिग्मा है पाई है सॉरी पाई है सिग्मा है पाई है सिग्मा है। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास पूरी तरीके से यह साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना है और साथ ही साथ यह हमारे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या कॉन्जुगेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसे हम कहते हैं हकल रूल, और यह क्राइटेरिया यह है कि 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिस भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पाया जा रहा है वही कंपाउंड हमारा एरोमेटिसिटी शो कर सकता है, यानी कि एरोमेटिक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, यहाँ पर यह भी बात ध्यान रखिएगा कि वेयर जहाँ पर हमारे पास n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0, 1, 2, 3 and so on etc होता है। समझते हैं इस बात को, बहुत ही डिटेल में समझेंगे क्योंकि हकल रूल ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस रूल को ही हम क्या कहते हैं, हकल रूल। ठीक है, कई बुकों में या फिर काफ़ी सारे टीचर हुकल रूल कहते हैं लेकिन हकल रूल कहिए आप लोग। ठीक है, देखिए क्या मैंने कहा कि कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर कोई तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो क्या हम कह सकते हैं कि वह एरोमेटिक है? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी हाइड्रोकार्बन जो इन चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसी को ही हम कहेंगे कि वह एरोमेटिक है। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन फेल किया तो वह एरोमेटिसिटी को नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखिएगा, यानी कि यह एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जबकि यह एक नॉन एरोमेटिक नहीं कह सकता, यह एरोमेटिक नहीं है, बस इतना भी समझिए। आगे चलते हुए हम बात करेंगे कि यह एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास हो गया क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर एंटी एरोमेटिसिटी, जो कि आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग समझिए। ठीक है, ऐसा कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो कि साइक्लिक हो, प्लानर हो, कॉन्जुगेटेड हो और साथ ही साथ उसमें 4n इलेक्ट्रॉन्स हों, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं कि वह एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, मतलब ये लास्ट वाला क्राइटेरिया बस बदल दीजिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बजाय 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को रख दीजिए, तो ऐसे ही हम कंपाउंड को क्या कहने लग जाते हैं, एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, और जो भी कंपाउंड ना तो एरोमेटिक हो ना तो एंटी एरोमेटिक हो तो उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, मैंने समझा दिया। चलिए अब इस पर हम थोड़ा नोट्स को लिख लेते हैं क्योंकि नोट्स जरूरी हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मैं कुछ कंपाउंड्स को आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा, यानी कि प्रेजेंट करूंगा, तो आप लोग वहां से आपको बताना है कि वह कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए इनके नोट्स पर हम बात करना शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमने अब रिसेंटली आप सभी को कुछ नए चीज़ों पर काम करना शुरू किया है, यानी कि आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप सभी के लिए पेड पीडीएफ को लॉन्च किया गया है जो कि हर एक सब्जेक्ट के लिए है। आप सभी को मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इस पर काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज को दिखाया है। जिन बच्चों ने परचेज किया है, काफ़ी बच्चों ने परचेज किया, वैसे मैं ये नहीं कह सकता कि हज़ारों बच्चों ने परचेज किया है लेकिन कई सौ बच्चों ने परचेज किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं।
और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल दिखाई दे रहे हैं जो अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये बच्चे खुद रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अपने फीडबैक को मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप नोट्स को परचेज नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करिए और अपने नोट्स को परचेज करिए और साथ ही साथ अपने तैयारी में लग जाइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी क्या है। मैंने ऑलरेडी समझाया कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास दिया गया है, अगर वह चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक। पहला कंडीशन हमारे पास है कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। ठीक है, कंपाउंड को क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कंपाउंड मस्ट बी प्लानर। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, कंपाउंड मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। हमारा जो कंपाउंड होना चाहिए वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, इसी को ही दूसरे शब्दों में भी लिख देता हूं मैं, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में यह भी बात कहा जा सकता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट पॉसिबल, ठीक है, कैन बी पॉसिबल लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, कैन बी पॉसिबल, ठीक है, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, जैसे आप केवल अपने घर पर ही नहीं रुके हैं बल्कि आप स्कूल पर जा रहे हैं, आप अपने दोस्तों के घर भी जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पार्टी करने से अच्छा नोट्स को परचेज कर लीजिए, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है। ठीक है, आइए बात करते हैं, वैसे आप पार्टी भी करिए ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं चौथे कंडीशन पर। चौथा कंडीशन आप लोग जानते ही हैं, हकल रूल है। हकल रूल में कहा जाता है कि दिस साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल्स जो होना चाहिए इन एन एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट कंटेन 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखिएगा, क्या लिखना है कि आप लोग लिखिएगा कि दीज रूल्स, ऐसे लिख लीजिए, दीज क्राइटेरिया, ठीक है, दीज क्राइटेरिया आर नोन एज, ठीक है, आर नोन एज, इन क्राइटेरिया को हम कहते हैं हकल रूल। ठीक है, हकल रूल, ठीक है, हकल रूल, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसी को ही आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक और लाइन लिख लीजिए कि वेयर, जहाँ पर, ठीक है, वेयर हमारे पास जो n का वैल्यू हो सकता है वो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन etc तक हो सकता है। ठीक है, आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम कुछ शुरुआत करते हैं, कुछ कंपाउंड्स पर हम बात करेंगे कि कौन से कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक हैं, और साथ ही साथ हम यह भी समझेंगे कि कौन कौन से नॉन एरोमेटिक हैं। ठीक है, ये जो कंपाउंड आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, आप लोग जानते हैं, इसे हम कहते हैं बेंजीन। ठीक है, नाम लिख लीजिए, जरूरी नहीं है, वैसे कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, देखो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कहाँ से, सबसे पहला कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, तो यह हमारे पास साइक्लिक होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर को देखकर हम बता सकते हैं। आप लोग पहले क्या करिए, ध्यान से इन चीजों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, तब आप लोग लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और जो सेंटेंस मैं बताऊंगा वही सेंटेंस आप लोग लिखिएगा, वैसे आप बना भी सकते हैं, चलो मैं सेंटेंसेस को भी लिखते हुए चलता हूं। इट इज साइक्लिक, ठीक है, इट इज साइक्लिक, यह क्या होता है, यह साइक्लिक होता है। दूसरे पॉइंट पर अगर बात किया जाए तो इट इज प्लानर, ठीक है, ये बात मैं कह रहा हूं इसलिए आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप प्लानर कंपाउंड को देख कर नहीं बता सकते कि ये प्लानर है, वो तो एक्सपेरिमेंटली बताया जाता है या फिर बुक में होगा या फिर टीचर बताएगा तभी आप लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लानर भी होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी या तीसरा कंडीशन हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो इट इज कॉन्जुगेटेड। ठीक है, कैसे हमने कहा कि यह कॉन्जुगेटेड है, क्योंकि इसमें पाई सिग्मा हमारे पास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर बात किया जाए चौथे प्रॉपर्टी पर, तो चौथा हमारे पास क्या है, हकल रूल आता है।
हकल रूल को अगर सेटिस्फाई करना है तो कैसे होगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हकल रूल कैसे सेटिस्फाई होगा, ध्यान दीजिए। हकल रूल हम तभी इस प्रकार से सेटिस्फाई करते हैं कि यहाँ लिखेंगे 4n+2, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव यह करना है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो इनमें पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमारे पास इस वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर बात किया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर n का वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे दिखाई दे रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। लेकिन इसे हम लिखेंगे कैसे, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो कैसे लिखेंगे, आइए बात करते हैं। हम लिखेंगे 4n+2 इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या लिखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने हमारे पास इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर हो गया 4n+2 और पाई इलेक्ट्रॉन्स को अगर काउंट किया जाए तो मैंने बताया 2 2 4, एक बॉन्ड मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, 3 बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करिए तो 4n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया। और हमने आप सभी को ऑलरेडी बताया है कि जब n का वैल्यू हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन होता है तो हमारे पास हकल रूल सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए, सो इट इज एरोमेटिक, ठीक है। अब आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई, कैसे लिखना है ये सेंटेंस आप लोगों को मैं समझाना चाहता था इस एक एग्जाम्पल की सहायता से। अब जितने भी मैं एग्जाम्पल्स लूँगा उनमें इन सेंटेंसेस को हम नहीं लिखने वाले हैं, इन्हीं सेंटेंसेस के बेस पर आपको सारे सेंटेंसेस को लिखने रहेंगे। बस मैं आपको बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, चलिए बात करते हैं। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल आप सभी के सामने, मैं ले लेता हूँ जो अभी मैंने लिया भी था, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। ये हमारे पास डबल बॉन्ड आप सभी के सामने दिखाई दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात तो होनी नहीं चाहिए। क्या यह साइक्लिक है, तो हाँ साइक्लिक है। क्या यह प्लानर है, तो प्लानर तो मैं बताऊंगा है या नहीं है तो अभी रोक दीजिए। क्या यह कॉन्जुगेटेड है, तो अगर काउंट किया जाए तो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड है, ठीक है, अच्छी बात है। क्या यह हकल रूल को फॉलो करता है, तो बात करते हैं, चेक करना पड़ेगा। तो 4n+2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 4 हमारे पास पाई बॉन्ड है यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो गए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4n इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 8 में से 2 जाएगा तो 6 मिलेगा, और n का वैल्यू अगर निकाला जाए तो हमारे पास रेशियो में आ रहा है 3/2, यही तो आ रहा है। और रेशियो में कभी भी जब वैल्यू आएगा तो इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, लेट अस सपोज सॉल्व करेंगे तो 1.5 मिलेगा, ये बात तो आप लोग समझ गए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तभी हम कहेंगे कि हमारे पास एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ना तो यह इस कंडीशन में आ रहा है ना तो इस कंडीशन में आ रहा है, यानी कि यह जो हमारे पास कंपाउंड है यह हकल रूल को तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, और यह क्या है, इट इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे भी हम देख सकते हैं, अगर प्लानर के लिए बात किया जाए तो यह जो कंपाउंड होता है यह प्लानर होता भी नहीं है, यह इसका जो शेप होता है वह एक टब शेप होता है, ठीक है। टब मतलब जो हम यूज करते हैं पानी के लिए, ठीक है, वैसे यह होता है, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप चाहें तो इसको भी सेंटेंसेस में लिख सकते हैं कि इट इज साइक्लिक बट इट इज नॉट प्लानर, एंड डायरेक्ट वहाँ पर भी लिख सकते हैं कि जब यह कंडीशन फेल हो गया तो यह हमारे पास एरोमेटिक हो नहीं सकता। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये भी हमारे पास रूल यहाँ पर नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। चलो कुछ और भी एग्जांपल्स पर बात करते हैं, तीसरा एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल को लेने वाला हूँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ओके
ओके ओके ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास डबल बॉन्ड हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर विजुअल होगा, और नहीं विजुअल है तो थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, ये आप सभी के सामने एक कंपाउंड देखने को मिल रहा है। सवाल उठता है क्या यह एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। जवाब कैसे देंगे, तो अगर इसमें हम पहले बात करते हैं क्या यह साइक्लिक है, तो हम देख सकते हैं कि हाँ यह साइक्लिक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हाँ यह साइक्लिक है। ठीक है, क्या यह प्लानर है, तो मैं कह रहा हूँ इसलिए आपको मानना पड़ेगा हाँ प्लानर है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है या नहीं है, यह चेक करना है। तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, कॉन्जुगेशन फेल हो गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पाई होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर सिग्मा के बाद फिर से सिग्मा आ रहा है, यानी कि इसमें कॉन्जुगेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि यह क्या हो गया, यह हमारे पास नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। और अगर इसका नाम लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो साइक्लोहेप्टा और तीन डबल बॉन्ड है तो ट्राई इन लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे नाम भी किया जा सकता है, साइक्लोहेप्टा ट्राई इन। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं अगले कंपाउंड पर। आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम तो चलिए अब कुछ और कंपाउंड्स पर हम बात कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त भी करेंगे। आते हैं अपने चौथे कंपाउंड पर। ठीक है, ये रहा हमारे पास जो फोर्थ कंपाउंड है आप सभी के सामने। यहाँ पर हो सकता है प्लस साइन बीच में भी बनाया जा सकता है, या फिर यही जो प्लस साइन आप सभी को दिखाई दे रहा है या कुछ इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी प्लस साइन को दिखाया जा सकता है। अब सवाल उठता है क्या यह एरोमेटिक है, क्या एंटी एरोमेटिक है या फिर क्या है, इस पर हमें बात करना है। पांचवा भी यहीं पर ही मैं ड्रा कर देता हूं, ये लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और कंपाउंड मैं ड्रा कर देता हूं, छठा नंबर का कंपाउंड कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब बात करते हैं, समझते हैं इन चीजों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या यह एंटी एरोमेटिक है, एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक, हमें बात करना है। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो क्या यह साइक्लिक है, तीनों स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लिक है, यानी कि यह साइक्लिक का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, क्या यह हमारे पास प्लानर है, तो मैं बता रहा हूं इसलिए यह प्लानर होता है। ठीक है, क्या यह कॉन्जुगेशन है, इसमें इस पर अगर बात किया जाए तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, यानी कि यह इसमें जो हमारे पास है वो कॉन्जुगेशन है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था कि कॉन्जुगेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब सवाल उठता है क्या यह 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो चलिए इसे चेक करते हैं। अगर इसे चेक करना है तो 4n+2 इज इक्वल टू कितने पाई बॉन्ड हैं, तो केवल एक पाई बॉन्ड है, इसलिए इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो गए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4n = 0 हो गया और n का वैल्यू हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, यानी कि यह हकल रूल को भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि यह क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, क्या है यह जो हमारे पास कंपाउंड आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है, यह एक एरोमेटिक है। अब सवाल उठता है क्या यह क्या क्या है, तो यह साइक्लिक है हाँ, प्लानर है हाँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ यह कॉन्जुगेशन करता है या नहीं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर माइनस चार्ज भी कहा जा सकता है, और फिर यहाँ पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन है। अब सवाल उठता है क्या यह हमारे पास हकल रूल को सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो अगर हकल रूल पर हम बात करते हैं तो 4n+2 इज इक्वल टू कितना हो गया, एक डबल बॉन्ड है, बहुत से बच्चे लिखेंगे 2, लेकिन यहीं पर ही गलत हो जाएगा क्योंकि जो यह दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इसी में ही काउंट किया जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाता है 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे भी हम अंदर काउंट करते हैं, तो 4n = 2 हो गया और n का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 2/4 हो रहा है ना, 2/4 यानी कि 1/2 यानी कि हो गया 0.5, यानी कि यह नॉन एरोमेटिक बन गया। ठीक है, नॉन एरोमेटिक बना।
एंटी एरोमेटिक ये भी नहीं बना। ओके कोई बात नहीं, आइए बात करते हैं। अगर ये भी हमारे पास नॉन एरोमेटिक हो गया ना, एंटी एरोमेटिक का तो एग्जाम्पल ही नहीं हुआ, ठीक है। इस पर अगर बात किया जाए तो ये एक साइक्लिक है, हाँ, प्लानर है, हाँ। क्या कॉन्जुगेशन है, तो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यानी कि कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कि यह भी नॉन एरोमेटिक का कंडीशन बना रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त भी करेंगे, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं। अगर आपको इन सभी का नोट्स चाहिए, पेड पीडीएफ नोट्स अगर आप हमारे चाहते हैं, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर अभी मैसेज करिए, जिससे हम आप सभी को जल्दी से जल्दी नोट्स को प्रोवाइड कर सकें और आप लोग अपने तैयारी को बेहतर बना सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताएगा कि आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया है या नहीं। अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।